Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is ridiculous. It was a request by Maram, and Maram, here's your lesson. Ridiculous is an adjective and it means something stupid and deserving to be laughed at. देखिए कोई भी चीज जो stupid हो, silly हो, बेवकूफाना हो, ठीक है, जिस पे कि आपको हंसी आ जाए, ऐसी चीज को आप ridiculous कहेंगे. अब ये sometimes literally हंसी आ जाए, sometimes हम तंजिया भी कहते हैं कि क्या stupid फजूल किस्म की बात की है तुमने, ठीक है, तो आप कहेंगे कि whatever you are saying is ridiculous, कि तुम जो भी कह रहे हो ना ये ridiculous है, मतलब कि ये फजूल है, silly है, stupid है, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी बात पे, ठीक है. किसी को मोक करने के लिए भी कहा जाता है, और किसी की वाकई बात इतनी कुछ stupid सी होती है कि आप उसको आगे से कहते हैं कि this is ridiculous जो भी तुम कह रहे हो, ठीक है. इस तरह किसी की बात भी किसी का आइडिया भी हो सकता है, जैसे आप कुछ दोस्त आपस में बैठे हैं, वो कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं या कुछ भी किसी भी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और एक दोस्त जो है ना वो बड़ा एक स्टूपिड सा आइडिया जो है ना वो प्रेजेंट कर देता है कि ऐसा कर लेते हैं, और आप कहेंगे क्या रिडिकुलस आइडिया है तुम्हारा, ठीक है, दिस इज अ रिडिकुलस आइडिया. कोई भी ऐसा आइडिया, बात, चीज, कुछ भी जो कि स्टूपिड हो, जिसपे कि आपको हंसी आ जाए, जो कि आपको लगे कि बिल्कुल ही अनरीजनेबल है, इस मौके पे जो तुमने जो ये बात कही है ना वो फिट नहीं होती है, मतलब हार्ड टू समटाइम्स होता है कोई ऐसी बात कही जो हार्ड टू बिलीव हो जाती है, ठीक है. कुछ भी चीज जो सिली आपको लगे, जो आपको स्टूपिड लगे, वो रिडिकुलस होगी. जैसे कि कोई आप अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं और कोई बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस है, वो कहता है कि ये खरीद लो तुम, ठीक है, ये ले लो, ये ड्रेस ले लो, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज रिडिकुलस दैट आई विल बाय दिस एक्सपेंसिव ड्रेस, कि ये मतलब बेवकूफाना बात है कि मैं इतना एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद लूंगा, या कोई शूज की बात हो कि मैं इतने महंगे शूज खरीद लूंगा, मेरे लिए ये रिडिकुलस चीज है, ठीक है. इसी तरह से कोई इंसान कह सकता है, कोई जैसे होता ना कोई बिजनेस है, कोई बिजनेसमैन है, उसको कोई आइडिया प्रेजेंट किया जाता है कि आप वहां पर जो कोई सजेशन दी जाती है कि आप फ्लां कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, या आप इस आइडिया में इन्वेस्ट कर दो, और उसको लगता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा, जो भी वो बिजनेसमैन है वो कहेगा कि दिस इज रिडिकुलस दैट आई एम गोना इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, ठीक है, मेरे लिए ये एक रिडिकुलस आइडिया है कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं क्योंकि मुझे उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है. तो कोई भी चीज जो आपको अनरीजनेबल लगे, आपको सिली लगे, आपको स्टूपिड लगे, इवन कि किसी की लुक आपको स्टूपिड लग सकती है, किसी का रिस्पांस आपको स्टूपिड लग सकता है, तो उसको भी कहेंगे कि योर लुक इज रिडिकुलस, जो भी तुमने कपड़े पहने हैं, जो भी तुम तैयार हुए हो, ये तुम रिडिकुलस लग रहे हो, मतलब कि स्टूपिड लग रहे हो, बड़ा अजीब सा तुमने जो ना वो अपना गेटअप किया है, या किसी ने आपकी बात पे बड़ा एक स्टूपिड सा रिस्पॉन्स किया है, तो आप कहेंगे योर रिस्पॉन्स इज रिडिकुलस. तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको सिली लगे, जो आपको स्टूपिड लगे, जो आपको बेवकूफाना लगे, ठीक है, तो उसके लिए जो ना आप ये रिडिकुलस वर्ड यूज करते हैं. आई होप कि आपको रिडिकुलस का मतलब समझ में आ गया. लेट्स सम एग्जांपल्स. यू ऑलवेज कम अप विद रिडिकुलस आइडियाज, कि तुम हमेशा तुम जो भी आइडिया हमारे सामने पेश करते हो ना वो रिडिकुलस ही होता है, मतलब कि वो स्टूपिड ही होता है, उस पर कोई काम की कोई बात नहीं करते हो तुम, ठीक है. Our second example is, it is ridiculous to ask dad for money when he is angry. कि ये बहुत ही silly और stupid idea है कि हम dad से उस वक्त जाके पैसे मांगे जब वो गुस्से में है, ठीक है. A third example is, he is looking ridiculous in that yellow floral shirt. कि वो बहुत ही ridiculous लग रहा है, मतलब बहुत ही stupid, बहुत ही silly लग रहा है, वो एक उसने येलो जो मतलब येलो कलर की जो फूलों वाली शर्ट पहनी हुई है उसमें बहुत ही ridiculous लग रहा है, मतलब कि बहुत ही stupid लग रहा है. Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.